Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to Unacademy. Voice is clear, please let me know. So hello everyone, welcome to Unacademy. Guys, आज हम लोग lecture number 64th में, जैसा कि आप देख रहे हो last कुछ sessions से हम लोग problems की practice कर रहे हैं, तो आज हम लोग कुछ best problems की practice करेंगे CTFT में. इसके बाद same problem की practice हम लोग Laplace और same problem की practice जो है वो हम लोग basically Fourier transform में भी करने वाले हैं. इसलिए तो ये जो problem की practice है ये मैंने जानबूझ कर जो है वो ये सेम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जो है वो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ पूरे उस पर. इसके बाद मैं एक DFT और FFT का मैराथन और डिजिटल फिल्टर का मैराथन अलग से लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं पूरा DFT और FFT और डिजिटल फिल्टर्स जितना भी आपका बचा हुआ है वो कवर कर लूँगा. तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन बताया था कि हम लोगों ने लगभग 95% सिलेबस कवर कर लिया है. अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो है उससे करिए, अच्छे प्रॉब्लम्स जो है वो करें. ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली पावर फ्लक्चुएशन वॉज देयर. So what I am saying is that ki we have covered till lecture 63, and in lecture 63 I have covered the problems on DTFT.
तो मैं कुछ जो लास्ट के 5 सेशन से मैं उस पर प्रॉब्लम्स करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम्स आपके जो है वो टॉप दैट इज अ एक्वेंटेड बुक जो कि चलती है सिग्नल सिस्टम में, उनके प्रॉब्लम्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन प्रॉब्लम्स को आप लोग करो, क्योंकि इससे आपको एक प्रैक्टिस बनेगी कि ओवरऑल आपने जो पढ़ा है 62-63 लेक्चर में वो कितना आप लोगों की तरफ से हुआ है, इसलिए क्योंकि बिना प्रॉब्लम स्किल्स के आप लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को करने से आपके कॉन्सेप्ट्स का जो डीपनेस है कि कितना डेप्थ हमें अटेन करना है, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो आप प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से करो। ये जो प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉब्लम सेशन लेके आऊँगा और आपका फोरियर सीरीज का, क्योंकि यही चार में स्टूडेंट्स को जो है वो दिक्कत होती है। तो CTFT के प्रॉब्लम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग करने वाले हैं CTFT के प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सैम्पलिंग के करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिक CTFT के करने वाले हैं, इसलिए तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो क्लियर होगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व करो, और जो भी प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ एक बार लक्ष्य बैच जो भी करस्पॉन्डिंग CTFT का था, आप एक बार उसे रेफर कर सकते हो। आप एक फॉर्मूले की नोटबुक बना सकते हो, वहाँ पर आप देख लो, और प्रॉब्लम के लेवल से प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि प्रॉब्लम का लेवल तो यही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम का जो लेवल है, वही लेवल मैं आपको मेंटेन करूँगा, और वही प्रॉब्लम्स मैं क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस विद माय सेल्फ, माय नेम इज पंकज सिंह, आई हैव क्लियर 4 times एंड 2 times, माय रैंक इज अंडर 100, सब्जेक्ट नॉर्मली आई टेक इज सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम एंड ADC, ओके, एंड आई हैव इन टोटल 11+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। I was rolled with Ace Academy, okay, earlier, and recently in the next, that is recently in the 1 year back, I joined An Academy, okay. I was there for 6 years in Ace Academy. Subject normally I take a signal system, control system, ADC. Now, a fundamental request that if you want to join An Academy, अगर आप अपनी preparation को अपने जो आप prepare कर रहे हो गेट एग्जाम को अगर आप boost करना चाहते हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू मस्ट नीड वन गाइडेंस, है ना। और इस गाइडेंस के लिए आपको जो है वो पंकज लेमन कोड आपको लगाना चाहिए, कि बिकॉज पंकज लेमन कोड विल नॉट ओनली गिव यू 10% ऑफ डिस्काउंट, इट विल ऑल्सो गिव्स यू माई गाइडेंस, माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एवरीथिंग, इज दैट राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से करो, तो आप प्लीज़ जो है वो इस कोड का यूज़ करें ना। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरी जितने भी स्पेशल क्लासेस है वो आप एसेस कर सकते हो। अभी मैं स्पेशल प्रॉब्लम सीरीज ही करवा रहा हूँ सिग्नल सिस्टम के, और इस टाइम पे यही आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये इस टाइम पे भी अगर आपने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं किया और सिर्फ थ्योरी पढ़ी, तो इससे जो है वो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग स्पेशल क्लासेस में इसको जो है जरूर करें। स्पेशल क्लास के ये फीचर्स हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स आपको लर्नर्स मिलते हैं, अभी कुछ दिन के बाद मैं क्विज स्टार्ट करूँगा, आप कभी क्लास को मिस नहीं करते, लेक्चर नोट्स आपको मिलता है, आप इसे एनी टाइम एनी वेयर एसेस कर सकते हैं, ओके। और अब आते हैं प्लस के फीचर्स पे। जैसे कि मैंने कहा, प्लस के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं गाइस, जैसे कि लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश और हिंदी में, और अरबी बैचेस पैचेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसे क्या, प्लस पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस कोड के बहुत सारे फायदे हैं, और रियल टाइम रैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है ये कोड, इसे क्या। तो अगर आपको सच में रैंक चाहिए, अगर सच में आपको अच्छे से गेट करना है, तो आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, सीरियस मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, और ये मेंटोर पंकज रेवन आपको प्रोवाइड कर सकता है। नाउ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हो, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। आइकॉनिक के अंदर प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये एक मिनिमल अमाउंट देके आप बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप बिल्कुल आप इस पर जा सकते हो। अभी देखो, अगर आप देखो तो ये आपको 10% का ऑफ मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ऑफर चल रहा है, तो आप 10+10% को आप इस पर ऑप्ट कर सकते हो। इसलिए तो जो पूरा सब्सक्रिप्शन है वो आपको 26,000
285 में 12 मंथ का और 18 मंथ का 33,453 में और 24 मंथ का 38,232 में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, इससे पहले 30 तक आपको इसे वाइंड अप करना है। आप इसे इस मौके को जाने ना दें, क्योंकि इसके बाद जो है फीस हाइक होने की संभावना है, तो अगर आप फीस हाइक से बचना चाहते हैं तो ये आप कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और आइकॉनिक की ये फीस आइकॉनिक पे भी यही जो है वो ऑफर वैलिड है, तो आइकॉनिक पे भी आप बिल्कुल इस फीस के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, और ये भी एक ऑफर लेटर कि 6 मंथ प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा आप ESE मेंस तक की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कई सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर भी, तो आप प्लस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस में आपको जो है वो ये 9:45 से हर दिन 11:45 के बीच में होता है, और अभी कल ही मैंने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट किया, तो मतलब अभी कुछ आपका छूटा नहीं है। आप अगर पूरे कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, टोटल 120 आवर्स का कोर्स है, इसलिए टोटल जो है वो 120 आवर्स का कोर्स है, और आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो 16। ठीक है, क्विजेस जो है 11 है, कल भी मैंने क्विज दिया था, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके 18 हैं, और आपका जो स्टार्ट डेट है वो 15/9/2021 है, और एंड डेट जो है वो 1/12/2021 है, इसलिए। और आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप इस अनअकैडमी पे जो है वो आप आ सकते हो। ठीक है, तो एक बेहतरीन प्लान। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। और जैसे कि मैंने कहा कि गेट ESE की फीस जो है वो बढ़ने वाली है, और भी कई सारे बैच स्टार्ट हुए, जैसे नेटवर्क का बैच भी स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से, आप उन सब पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम इन CTFT। ठीक है, चलिए, तो मैं ये प्रॉब्लम्स खुद ही लिखूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने जो ये प्रॉब्लम्स कई बार रेक्टिफाई भी किए हैं, तो आपको मतलब दूसरा फ्लेवर भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ लिखने के टाइम पे प्लीज़ बोर मत होइएगा, और आप प्लीज़ सॉल्विंग पे ही ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मान लो मेरे पास ये एक एक्सेप्ट गिवन है, ये एक एक्सेप्ट गिवन है, ठीक, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और ये वैल्यू है 2, और ये वैल्यू है 1। ठीक है, और लेट, इसने कहा कि लेट XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है XF, तो उसने कहा कि फाइंड कैपिटल X0 एंड B माइनस इन्वर्टेड टू इन्वर्ट F X ओमेगा D ओमेगा। जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से करें। जैसे Make it fast. करेंगे भैया,
यस मेक इट फास्ट। सी सर सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम क्या कहती है देखो, लेट्स सॉल्व इट। सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम थ्योरम कहते कि मान लो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स टी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा। तो आपको पता है कि एक्स ओमेगा जो है वो है माइनस इनवर्टेड टू इनफिनिटी एक्स ऑफ टी और जो एक्स ऑफ टी होगा वो होगा वन ओवर टू पाए माइनस इनवर्ट टू इनवर्ट एफ एक्स ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो अगर हम यहां पे कैपिटल एक्स जीरो निकाल लें, लेट्स से अगर मैंने कहा कि व्हाट इज कैपिटल एक्स ऑफ जीरो, तो कैपिटल एक्स जीरो क्या होगा, इट इज माइनस इनवर्टेड टू इनवर्ट एफ एक्स टी टाइम्स ऑफ डी डी। और स्मॉल एक्स जीरो अगर हम निकाल लें तो इट इज इक्वल टू वन ओवर टू पाए माइनस इनवर्टेड टू इनवर्टेड एफ एक्स ओमेगा डी ओमेगा। तो हम इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर वन और इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर टू और इन्हीं दोनों का यूज हुआ। तो आप देखो ध्यान से सर, अगर हमें कैपिटल एक्स जीरो चाहिए ए में तो कैपिटल एक्स जीरो क्या होगा, एरिया हो जाएगा राइट। तो माइनस इनवर्ट टू इनवर्ट एफ एक्स टी डी डी माइनस इनवर्ट टू इनवर्ट एफ एक्स टी डी डी। तो हमारा जो एक्स टी है वो ये है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा और बना देता हूं, ये है तो ये वैल्यू है जीरो, ये वैल्यू है वन टू थ्री माइनस वन, ये वैल्यू है टू और ये वैल्यू है माइनस वन। तो देखो जब पहले ये मैं ये कह दूं कि पहले ये प्योर रेक्टेंगल हुआ करता था, अगर ये प्योर रेक्टेंगल था तो इस रेक्टेंगल में मैंने इतना ट्रायंगल, ये पूरा रेक्टेंगल था, लेट्स से इतना पूरा रेक्टेंगल था, तो इस रेक्टेंगल में मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने इतना ट्रायंगल डिलीट कर दिया है ना। तो देखो जरा ध्यान से, ये है रेक्टेंगल, ये वैल्यू दैट इज कैपिटल एक्स जीरो क्या होगा, देखो इट इज द एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका कैपिटल एक्स जीरो होगा। तो रेक्टेंगल कह रहे देखो कितना है, फोर इन टू टू माइनस ये देखो, अगर मैं इसे सेंटर पॉइंट मान लूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वन बाई टू ऑफ बेस है वन
और हाइट है 1, तो 1 × 1 और ऐसा दो बार, एक ये एक ये, तो मतलब 2। तो कैपिटल एक्स जीरो जो होगा वो होगा दैट इज 8 − 1 = 7। तो कैपिटल एक्स जीरो जो होगा वो होगा 7। बी की बात कर लेते हैं, अगर हम हमें ये चाहिए स्मॉल एक्स जीरो विच इज 1/2π माइनस ऑफ इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड एक्स ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा, तो इतना देखो जरा ध्यान से, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड एक्स ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 2π x0। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, ये एक्स जीरो की वैल्यू ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π × 2, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 4π। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूज हमें गिवन, तो ये ए ये है और बी कैप स्मॉल एक्स जीरो ये। चले नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि लेट एक्स टी इज प्लॉटेड प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, ये एक्स टी इज प्लॉटेड बिलो plotted below okay ye hai -2 ye hai -1 1 or 2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2 और यहां पे है 0, तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ठीक है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन एक्स एफ एट f is equal to 1 Hz is given by, make it fast, फिर से 2 मिनट में आपको दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को करें जरा। ये एक्स टी है, एक्स टी, मेक इट फास्ट, कम ऑन, देखो जरा क्या ये दो रेक्ट फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, क्या ये दो रेक्ट फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, देखो ध्यान से,
सी लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये दो फंक्शंस हैं, माइनस वन टू वन वन और प्लस माइनस टू 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 वन, तो क्या ये दोनों फंक्शंस मिलके यही फंक्शंस बनाएंगे क्या? देखो ध्यान से, अगर आप दोनों देखो तो माइनस वन से वन तक दोनों कॉमन है और वन प्लस वन मिल गिव्स मी टू, तो ये जो फंक्शन रिजल्टेंट बनेगा यही तो बनेगा. तो कहने का मतलब ये होगा माइनस टू माइनस वन वन और टू, और ये है वन ये है टू. तो ये टी में है और ये भी टी में है. तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्स टी, तो ये दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, एक्स वन टी और एक्स टू टी, और ये मिलके बन जाएगा एक्स टी. तो व्हाट इज माय एक्स टी? एक्स टी इज एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी. तो मेरा जो एक्स एफ होगा वो होगा एक्स वन एफ प्लस एक्स टू एफ. सही बात है. चल अब आपको यह पता है कि रेक्ट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है साइन सिंक एफ, है ना? रेक्ट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है सिंक एफ, जो कि है साइन पाई एफ बाय पाई एफ. और आपको यह भी पता है कि अगर मेरे पास एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएफ है तो एक्स अल्फा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वन बाय मॉड अल्फा एक्स ऑफ एफ बाय अल्फा. वन बाय मॉड अल्फा एक्स ऑफ एफ बाय अल्फा, गॉट इट? 1 by mod alpha x of f by alpha. Now the point is that, see here, अगर मैं आपसे कहूं कि रेक्ट टी ये है माइनस हाफ टू हाफ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे सिंक एफ गिवन है, ये सिंक एफ. ओके, तो अगर आप पहले वाले फंक्शन को देखें बहुत ध्यान से, तो आपको लगता है कि ये जो गिवन है आपको, ओके जस्ट अ मिनट, तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है ये वाला, ये है रेक्ट ऑफ टी बाय टू. ठीक है, या रेक्ट वन बाय टू टी, और ये है रेक्ट ऑफ टी बाई फोर, है ना? तो अगर मैं यहां पे रेक्ट ऑफ वन बाय टू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सिंक f की जगह पे f बाय स्केलिंग फैक्टर यहां पे कितना, वन बाय टू ना, तो f की जगह पे यहां पे वन बाय टू पुट करो जरा, तो ये हो जाएगा साइन पाई f बाय वन बाय टू अपॉन पाई f बाय वन बाय टू. यानी कि क्या हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई एफ. इज इट क्लियर? साइन और डोंट फॉरगेट दिस 1 बाय 2 मतलब कि 2 साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 2 पाई एफ अपॉन 2 साइन ऑफ 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई एफ. सो यू विल से दैट इट इज अ सिंक 2f. ओके, यू विल से दैट इट इज अ सिंक ऑफ 2f. तो अगर ये सिंक ऑफ 2f है तो यहां से देखा जाए और रेक्ट ऑफ दूसरा वाला क्या है टी बाई फोर. तो ये a था, ये है b, b है आपका रेक्ट ऑफ ऑफ टी बाय फोर. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया स्केलिंग फैक्टर यहां पे 1/4 है, मींस इट इज 1/4 साइन ऑफ पाई एफ बाय 1/4 अपॉन पाई एफ बाय 1/4. तो मतलब ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन 4 पाई एफ अपॉन 4 पाई एफ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द टोटल एक्स टी इज रेक्ट ऑफ टी बाय 2 प्लस रेक्ट ऑफ टी बाय 4 विच इज हैविंग ए एक्सएफ इक्वल टू 2 साइन 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई एफ प्लस 4 साइन 4 पाई एफ अपॉन 4 पाई एफ. तो जब आप एफ इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज पे बात करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 पाई बाय 2 पाई प्लस 4 साइन 4 पाई बाय 4 पाई. तो साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0. दिस मीन्स दैट इट इज 0, इट इज ऑल्सो 0, सो दिस इज 0. सो एट एफ इज इक्वल टू 1 द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 0. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट्स गिवन बाय 0 हर्ट्ज, 0. Okay, just wait for 1 second, just I'm coming. Let's start. Next question is that let next problem 3 is that let GT have Fourier transform of G omega. G omega, which is omega square plus 21 upon omega square plus 9. Find GT at t is equal to 2 seconds.
कम ऑन मेक इट फास्ट। Come on everyone, बोलिएगा भैया। जल्दी से इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे प्लीज, जल्दी से इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए। चलो देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं? देखो जरा, ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर है, तो सबसे पहले हमें इसमें से जो कांस्टेंट होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो क्या मैं इसे ऐसे सकता हूं कि दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 को मैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 21 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया 1 जा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस 9 और यहां पे आ जाएगा 12। और तो क्या मैं इस जी ओमेगा को ऐसे ले सकता हूं, क्या जी ओमेगा इज इक्वल टू, देखो दैट इट इज 12, ओके मैं लिखूं इसको, ओके 1/12 लेट मी राइट इन दिस वे, वन प्लस 12 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। चेक करेंगे प्लीज, ये होगा
ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 21 हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसा सकता हूँ कि इट इज जी ओमेगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा मॉड टी हैव ट्वाइस अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज 2 इंटू अल्फा, अल्फा इज लेट मी कॉल इट इज 3 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2। तो जी टी आपको पता है कि डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा 1, और तो इसका जो जी टी होगा, इसका जो जी टी होगा वो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा डेल्टा टी और प्लस 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 3 मॉड टी, ठीक है। अब आप इस फंक्शन का अगर आप प्लॉट करिए, देखो जरा इसका प्लॉट क्या होगा, यहां पे एक इंपल्स आएगी मेरे पास जिसकी हाइट होगी, स्ट्रेंथ होगी 1, ये इस जगह पे इंपल्स होगी, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये वाला फंक्शन ये कुछ ऐसा होगा, राइट। ये देखो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 3t ut, और ये क्या हो जाएगा 2 ई टू पावर 3t u माइनस t, अम्ब्रेला फंक्शन इट इज। तो मैंने कहा पूछा आपसे t इज इक्वल टू 2 पे, तो t इज इक्वल टू 2 हम मान लेते हैं यहां है, तो देखो ये इंपल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ इसका आएगा वैल्यू, तो वैल्यू आएगी जी टू वुड बी 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 6 या फिर 2 बाय ई टू द पावर 6 विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इट्स नियरली इक्वल टू 0, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो द इनवर्स फॉर योर ट्रांसफॉर्म। वैल्यू से मुझे कोई इतनी ज्यादा मतलब नहीं थी, पर जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज द इनवर्स फॉर योर ट्रांसफॉर्म एंड हाउ विल यू हैंडल अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली प्रॉपर। सो जब भी आपके पास प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपको जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है यू हैव टू रिमूव बाय लॉन्ग डिविजन, है ना। तो ऑलवेज याद रखना कंट्रोल में भी और सिग्नल में भी कि हम कॉजल सिस्टम को डिनोट करने के लिए ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर को ऑर्डर डिनोमिनेटर से छोटा ही रखते हैं नॉर्मली, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली प्रॉपर। लेकिन अगर वो प्रॉपर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए उसमें क्या होगा, उसमें इंपल्स होगा, तो उस इंपल्स को हमें पहले निकालना पड़ेगा, अलग से हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी कांस्टेंट आता है उसको बाहर कर लेते हैं, ऐसा क्या है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्चुअली में नॉन कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी आपने इनिशियल वैल्यू थ्योरम अगर आपने देखा हो कंट्रोल सिस्टम में, तो वहां पर भी हम यही काम करते हैं कि कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं, तो वो कांस्टेंट वाला पार्ट ही इंपल्स है एक्चुअली, और ये एक्चुअली सिस्टम को नॉन कॉजल बनाता है, ठीक है। तो आइडियली ये कॉजल है इंपल्स, बट प्रैक्टिकली ये नॉन कॉजल है, तो इसलिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम इसको हम नहीं यूज करते, पर यहाँ पे बेसिकली हमें इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज करना था, क्योंकि यही चीजें आगे जो है काम आएंगी। तो चले 4 करते हैं, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है, देखो बहुत ध्यान से कि मान लो हमें लेट एक्स ओमेगा एंड वाई ओमेगा इज गिवन, तो एक्स ओमेगा हमें अगर ये है माइनस 100 0
100 और 1, ये है मॉड एक्स ओमेगा इधर से, और वाई ओमेगा हमें ये है, माइनस 50 और यहां पे वैल्यू है 3, ये है मॉड एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा, और ये है मॉड वाई ओमेगा वर्सेस ओमेगा। ठीक है, तब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड वाई टी इन टर्म्स ऑफ एक्स टी, फाइंड वाई टी इन टर्म्स ऑफ एक्स टी। तो क्या होगा, देखो वाई टी इन टर्म्स ऑफ एक्स टी आपको निकालना है, ऑप्शन भी गिवन है इस बार। ऑप्शन ए है दैट वाई टी इज, मतलब इन सब के लिए ए 2/3 एक्स टी बाई टू, बी 3/2 एक्स टू टी, सी 2/3 एक्स टू टी, और डी 3/2 एक्स ऑफ टी बाई टू। आपको यह बताना है कि पर्टिकुलरली वाई टी क्या है। आप देखो कैसे कर सकते हो उसको ना, मतलब आप मेरा जो राइटिंग पार्ट है ना, आप उसको स्किप कर सकते हो, है ना, आप आगे बढ़ा सकते हो, और एग्जैक्टली क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो आप वहां पे ले आके छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करके फिर वापस से आप आंसर सॉल्यूशन पे जो प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो डू नॉट गेट बोर्ड बाय राइटिंग पार्ट। अगर आप चाहो तो इसका आप यूज कर सकते हो कि जितना भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप उसको स्किप कर सकते हो। जब भी आप देख रहे हो तो आपके पास मान लो ये वीडियो लेंथ 3 hours की बन रही है और आपके पास 3 hours टाइम नहीं है, बस जिस आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप पूरा राइटिंग पार्ट क्या कर दो, स्किप कर दो, और जब फाइनल क्वेश्चंस लिख जाए तो बस आप उसको देख लो एक बार। इसके बाद आप उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके और खुद से क्वेश्चंस करो, या लैपटॉप में ही खुद से क्वेश्चंस करो, और उसके बाद उसका सीधे फाइनल सॉल्यूशन देखो। अगर आपका सॉल्यूशन अब मेरे सॉल्यूशन से मैच नहीं करता तो फिर आप मेरे प्रोसीजर को देखो। तो अच्छे स्टूडेंट्स आप जो है वो इस तरीके से आगे जाएंगे, और इस वीडियो का पूरा फायदा आप उठा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो इस पूरे में जितना उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको सॉल्व करने में लगा, है ना, ऐसा करें तो आप स्किप मेथड का यूज कर सकते हो प्लीज, जो भी है, मेक इट फास्ट। चल देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे y ओमेगा को, क्योंकि मुझे y t को लिखना है x के टर्म्स में, मींस y ओमेगा आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ x ओमेगा। तो देखो अगर मैं इस पर डिवाइड बाय 2 कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये 50 के बराबर हो जाएगा ना। तो मुझे बताओ चलो y ओमेगा क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, इट इज x ऑफ 2 ओमेगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है 3x ऑफ 2 ओमेगा। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि x अल्फा t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बताओ
वन बाई मॉड अल्फा एक्स ऑफ ओमेगा बाय अल्फा. दिस मीन्स दैट एक्स ऑफ ओमेगा बाय अल्फा का इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मॉड अल्फा एक्स ऑफ अल्फा टी. और अगर मैंने यहां पे के का मल्टीप्लाई कर दिया के इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा के इंटू मॉड अल्फा इंटू एक्स ऑफ अल्फा टी. तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप इनवर्स में आप सोच सकते हो. तो बस आप कंपेयर कर लो, देखो जरा ध्यान से यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन बाय अल्फा की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर करो जरा, वन बाय अल्फा की वैल्यू टू है, दिस मीन्स कि अल्फा की वैल्यू है वन बाय टू, और अल्फा की वैल्यू वन बाय टू है, के की वैल्यू है थ्री. तो बस उठा के यहां पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा के की वैल्यू है थ्री, अल्फा की वैल्यू वन बाय टू, मॉड भी वन बाय टू ही होगा, और एक्स ऑफ टी बाय टू, अल्फा की वैल्यू वन बाय टू, तो ये हो जाएगा थ्री बाय टू एक्स ऑफ टी बाय टू, जो कि करेक्ट ऑप्शन है इसका डी. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी भी वो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन जाता है, या फिर आप अपने तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही कुछ मैं आपको करवाता हूं. राउंड नंबर फाइव की बात करते हैं. लेट जी डी इज गिवन, जी डी इज दिस वन, ये वैल्यू है वन टू थ्री फोर वन और माइनस वन, जहां पे एक्स टी एक सिग्नल है जो कि ये है जीरो वन और वन. एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, तो आपसे उसने पूछा है कि देन जी एफ वैल्यू ऑफ ऑफ जी एफ इन टर्म्स ऑफ, यह भी रिसेंट गेट का प्रॉब्लम भी था, एक्स एफ कैन बी रिटर्न एज, फर्स्ट इज ए ई टू पावर माइनस ऑफ सिक्स पाई एफ जे सिक्स पाई एफ एक्स एफ माइनस e to power minus of j 4 pi f x minus f b e to power minus of j 6 pi f minus e to power minus j 4 pi f और यहां पे है x f और c e to the power minus of j 6 pi f minus e to the power minus of j 4 pi f और यहां पे है x of minus f और d जो कि है e to the power minus of j 6 pi f into x minus f और minus e to power minus of j 4 pi f x. आपको यह बताना है कि इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो. टेक इट फास्ट.
मेक इट फास्ट। चल देखो आंसर, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक XT है जो कि ये है, जीरो वन और वन, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरा XT है और ये मेरा GT है, GT इज दिस, वन टू थ्री फोर, और ये वैल्यू है लेट्स से माइनस वन, और ये वैल्यू है वन। चल क्या आप जीटी को एक्सटी का ट्रांसफर कर सकते हैं? देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये बहुत आसान है, ये जस्ट शिफ्टेड बाय थ्री, तो ये तो सिंपल हो गया एक्स ऑफ टी माइनस थ्री। और अगर मैं एक सिग्नल डिफाइन कर लूं, लेट्स से मान लो एक सिग्नल मैं डिफाइन करता हूं लेट्स से पी टी, जो कि इसका रिवर्स्ड वर्जन है, माइनस वन जीरो और वन, तो क्या आप इसको देखो, अगर आप टू से शिफ्ट, ये स्लैंट आपको मिल जाएगा अगर आप इसको टू से राइट शिफ्ट कर दोगे तो, और ये जंप भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप इसे देखें तो ये क्या है बेसिकली, ये है पी ऑफ टी माइनस टू और साथ में माइनस वन, लेकिन पी टी क्या है,
xom माइनस टी, तो p ऑफ t माइनस टू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x ऑफ माइनस ऑफ t माइनस टू, यही होगा, और माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन भी है तो इन टू माइनस वन, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यह होगा माइनस वन इंटू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस टू। तो इसका मतलब मेरा टोटल जीटी क्या है, वो है एक्स ऑफ टी माइनस थ्री और माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, देखो जी ओमेगा बिकम्स एक्स ओमेगा ई टू द पावर माइनस ऑफ जे थ्री ओमेगा माइनस एक्स ऑफ माइनस ओमेगा ई टू पावर माइनस ऑफ जे टू ओमेगा, ई टू पावर माइनस ऑफ जे टू ओमेगा, एक्स ओमेगा ई टू पावर माइनस ऑफ जे थ्री ओमेगा माइनस एक्स ऑफ माइनस ओमेगा ई टू पावर माइनस ऑफ जे टू ओमेगा। तो कितना हो जाएगा जी एफ, जी एफ इज हाउ मच, एक्स ऑफ एफ ई टू पावर माइनस ऑफ ओमेगा की जगह पर टू पाई एफ कर दो, जे सिक्स पाई एफ माइनस एक्स ऑफ माइनस एफ ई टू पावर माइनस ऑफ जे फोर पाई एफ, ये होगा। तो जी एफ ये आपका जी एफ, तो अगर आप देखें तो दैट इज कौन इसको फॉलो कर रहा है, इट माइनस ऑफ जे सिक्स पाई एफ इंटू एक्स एफ, इट माइनस ऑफ जे सिक्स पाई एफ इंटू एक्स एफ माइनस इट माइनस ऑफ जे फोर पाई एफ इंटू एक्स माइनस एफ, सो दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। तो जस्ट आपको ये देखना है कि कैसे हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के टर्म्स में लिखते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ा हुआ है थ्रू आउट पूरे कोर्स। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर सिक्स, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि द एनर्जी ऑफ सिंक लेट्स से टी कॉस 10 पाई टी इज इन जूल, बताइएगा प्लीज। Make it fast.
इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो जरा जल्दी से। देखिए व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंक टी। सिंक टी हैव इज साइन पाई टी ओवर पाई टी एंड यू नो दैट साइन ए टी बाय पाई टी the Fourier transform is minus a to a 1 in omega sin a t by pi t is minus a to a 1 of omega। तो देखिए ध्यान से, अब अगर मैं आपसे कहूं कि a की वैल्यू कितनी है तो ये है माइनस पाई टू पाई, है ना। अच्छा सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ 10 पाई t, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा 1 by 2 x of omega minus 10 pi plus 1 by 2 x of omega plus 10 pi। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको 10 pi से राइट शिफ्ट करना है और 10 pi से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जब आप इसे 10 pi से राइट शिफ्ट करोगे सोचो तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बैंड पास सिग्नल बन जाएगा। 10 पाई शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 9 पाई और ये हो जाएगा 11 पाई और यहां पे वैल्यू होगी 1/2। और जब आप इसे 10 पाई से शिफ्ट करोगे तो ये जो फंक्शन बनेगा ये बनेगा सेम लेकिन अपोजिट, माइनस 11 पाई टू माइनस 9 पाई और यहां पे होगा 1/2। तो दैट इज व्हाट द पाई ओमेगा इज, दैट्स व्हाट द पाई ओमेगा इज। वाई टी मैं इसको कह रहा हूं, अगर इस पूरे को मैं वाई टी कह रहा हूं तो वाई ओमेगा ये होगा। तो y ओमेगा क्या होगा, इन सबका एडिशन, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे कहां से कहां तक, माइनस 11 पाई से माइनस 9 पाई और 9 पाई से 11 पाई, यहां पे वैल्यू होगी 1/2 और यहां पे वैल्यू होगी 1/2 और ये होगा x ओमेगा। तो 1/2 पाई कितना होगा, 1/2 पाई माइनस 11 पाई टू माइनस 9 पाई और ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी ओमेगा
एनर्जी निकालना है इंटू 1/2 डी ओमेगा और प्लस 9π to 11π 1/2 × 1/2 × डी ओमेगा। हमने किसका यूज किया है, ये वाई ओमेगा है एक्चुअली, नॉट एक्स ओमेगा, ठीक है। हमने किसका यूज किया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ओमेगा इंटू वाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो व्हाट इट इज 1/2π × हाउ मच 2π दैट इज 1/4 × 2π प्लस 1/4 × 2π। तो दिस इज नथिंग बट माई 2/4, 2π से 2π कैंसिल, इट इज 1/2 जूल इसकी एनर्जी हो। यस, हाफ छो, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लेट xf इज शोन इट्स फ्रॉम हियर एफ नॉट, ओके xf has inverse Fourier transform of xt, then phase angle of xt of xt at t is equal to 1/8f0 is a minus 90, b 180, c minus 45, d 45। ये सब डिग्री में है, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, जैसे मेरे पास सामने जो है वो ओपन हम बिलिस्की है और बस मैं उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको करवा रहा हूं। तो बड़ा प्रॉब्लम कर लो, जिसको भी अगर मेरा बैक आ रहा है तो प्लीज एक बार देख ले, करो चलो बेटा प्रॉब्लम करो। Make it fast.
फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो इसका, देखो सॉल्यूशन एक्सएफ क्या है बताओ, डेल्टा ऑफ एफ माइनस ऑफ एफ नॉट। तो बताओ एक्सटी क्या हो जाएगा। सर आपको पता है कि वन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, वन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है डेल एफ, डेल एफ। तो डेल्टा एफ माइनस ऑफ एफ नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज ई टू द पावर जे, सर एफ में है ये तो टू पाई का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और फिर एफ नॉट इंटू टी इंटू वन। उसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एक्स टी हो गया वो क्या हो गया, ई टू पावर जे टू पाई एफ नॉट टी। अब देखो अगर मैं टी की वैल्यू को 1 बाई एट एफ नॉट कर दूं, टी की वैल्यू को 1 बाई एट एफ नॉट कर दूं, तो जो मेरा एक्स टी होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज ई टू पावर जे टू पाई एफ नॉट इंटू 1 बाई एट एफ नॉट। तो कितना हो जाएगा, इट इज ई टू द पावर जे एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, टू पाई से फोर कैंसिल, जे पाई बाई फोर। सो व्हाट्स द एंगल, एंगल एट एंगल इज 45 डिग्री। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, धमाका क्वेश्चन, बेहतरीन। मान लो हमें पता है कि x of t एक सिग्नल है जो कि है x ओमेगा, जिसकी बैंडविड्थ b है, बैंडविड्थ इज b, ओके, और ओमेगा सी कैरियर, मैं एक आपको ब्लॉक डायग्राम दे रहा हूं, एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, और यहां पे मैं कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा, और यहां पे मेरे पास एक फिल्टर है जो कि माइनस बी से लेके बी तक ही फिल्टर आउट कर रहा है ओमेगा में, और इसकी वैल्यू है 2। और यहां पे है yt, यहां पे है yt,
ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है वाई टी। आपसे ये कह रहा है कि वाई टी ओमेगा सी की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर 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 दैन बी। आपसे कह रहा है कि वाई टी एस वाई टी इफ थीटा इज पाई बाई टू एस मेक इट फास्ट। Make it fast.
this is, let us call this as a ZT. So what is ZT? ZT is how much? XT cos of omega CT cos of omega CT plus theta plus theta. तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा xt by 2, तो यहां पे आ जाएगा cos of theta और प्लस xt by 2 cos of plus theta. यह जगह ZT। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक कांस्टेंट अज्यूम करूं कि लेट 1 by 2 cos थीटा इस के वाई कांस्टेंट, तो किसी भी थीटा के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 तो 1 by 2 आ जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई by 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो ZT है वो क्या होगा, देखो, इट इज अ के टाइम्स ऑफ एक्स टी प्लस 1 बाय 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, जेड टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया जेड ओमेगा इज इक्वल टू, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा के एक्स ओमेगा प्लस, यहां पर फ्रीक्वेंसी थ्योरम लगाइए, 1 बाई टू एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ 2 ओमेगा सी ई टू द पावर जे थीटा, क्योंकि उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे पॉजिटिव फेस है, प्लस 1 बाई टू एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा सी e to the power minus j theta। तो यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, z omega इज इक्वल टू हो जाएगा k into x of omega plus 1 by 4 x of omega minus of 2 omega c e to the power j theta और plus 1 by 4 x of omega plus 2 omega c e to the power minus of j theta. What is xt? xt is having a Fourier transform of x omega. So what is x omega? It is this. Let's assume this minus b. So why are you taking a triangular shape? Aap kuch bhi shape le lijiye, any shape you will take. The point is that it has a bandwidth of b, and it is given that omega c itself, okay, omega c is far greater than b. In the question itself it's given. So what I'm saying is that, see here, what is the Fourier transform of this function? Let's find out the Fourier transform. So the Fourier transform is, see here, kx omega is this one, so it is from minus b to b, okay, and now this spectrum is shifted to this spectrum is shifted to yes the spectrum is shifted to 2b, so it is 2b 2 omega c, sorry, so it is 2 omega c,
टू ओमेगा सी माइनस बी, टू ओमेगा सी प्लस बी एंड सेम रेप्लिका यू विल गेट एट नेगेटिव सेक्शन माइनस टू ओमेगा सी. सो माइनस टू ओमेगा सी माइनस बी माइनस टू ओमेगा सी प्लस बी. ओके नाउ वी हैव दिस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हियर कम्स अ फिल्टर. सो नाउ फिल्टर इज कमिंग. सो फिल्टर विल हैव सी हियर फिल्टर विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस बी टू बी एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू. सो इट्स विल फिल्टर विल बी लाइक दिस. इट इज हैविंग अ टू, इट इज हैविंग अ टू. इज इट क्लियर? सो व्हाट फिल्टर विल फिल्टर आउट? दिस विल नॉट फिल्टर आउट, दिस विल नॉट फिल्टर आउट. फिल्टर विल फिल्टर आउट, लेट मी राइट इन हियर, आफ्टर फिल्टरिंग what is coming is that y omega is equal to what 2 of x of omega times k. Don't forget that I have a k here, k also is multiplied here. So this means that what is k? K is half cos theta. See now, what's k? K is half cos theta. So this means that what is y omega? Y omega is 2x omega into half cos theta. For any theta is a constant. So what's the yt? Yt will be xt into cos of theta. So where he asked about xt at theta is equal to pi by 2. So at pi by 2 the yt is like xt cos of pi by 2 and hence it is 0. So what I am saying is that, see here, what I am saying is that in the complete representation, in the complete representation of Z, this whole filtering problem, what you have to do is that you have to filter out each of these term with respect to B, each of these term with respect to B. Is it clear? So B is the main center. This is known as a, this is actually, this technique is actually synchronous reduction technique. Detection technique. This is known as synchronous detection technique. And see here, I am not getting any kind of output if this theta here is pi by 2. Now this is a carrier frequency. Now it becomes theta is equal to plus pi by 2. This means that it becomes a sine. So this is a what, 90 degree out of phase with the carrier. So phase is a very important issue, and this is known as a, this effect is known as very important. This is quadrature null effect. Hope you have heard this in your communication. Is it clear? So this is DSBSC modulation, demodulation technique. And have you I think that you have heard about this term quadrature null effect. The quadrature null effect को आप जो है कैसे अवॉइड कर सकते हो, थीटा की वैल्यू को जीरो पुट करके यहां पे. इज इट क्लियर? चल अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वन. लेट एक्स ओमेगा इज गिवन, x omega is given as
हियर इज जे रूट पाई, हियर इज जीरो वन एट द माइनस जे रूट पाई, इट इज माइनस वन, इट इज माइनस जे रूट पाई, जे रूट पाई माइनस जे रूट पाई, दिस इज इन एक्स ओमेगा, इन ओमेगा. फाइंड डी पाई डी टी ऑफ एक्स टी एट टी इज इक्वल टू जीरो. दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मेक इट फास्ट. Make it fast. It's one of the very, very interesting problem. See, you know that x of t is 1 over 2 pi minus infinity to infinity x omega e to the power j omega t times d omega. Let's take a differentiation of this. So if you differentiate it, d by dt of x of t that is equal to
वन ओवर टू पाए माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ओमेगा इंटू जे ओमेगा डी ओमेगा. सो यू विल टेक दिस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू जे बाई टू पाए एंड इट्स द माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी ओमेगा एक्स ओमेगा जे ओमेगा टी टाइम्स डी ओमेगा. सो वॉट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो इट इज जे बाई टू पाए माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी ओमेगा एक्स ओमेगा डी ओमेगा. So you can generalize this that suppose someone asks you d to the power n of x of t over dt n at t is equal to 0 is jn by 2 pi minus infinity to infinity omega n एक्स ओमेगा डी ओमेगा दिस वन. सो लेट्स यूज दिस एंड फाइंड इट. सो इफ यू वांट टू फाइंड इट दिस वन सी हियर दिस इज व्हाट माइनस वन टू जीरो माइनस ऑफ जे रूट पाई इंटू ओमेगा डी ओमेगा दैट्स व्हाट द एक्स ओमेगा इज एंड डोंट फॉरगेट जे बाय टू पाई इज आउटसाइड प्लस व्हाट जीरो टू वन what it is j root pi what it is omega x omega d omega. Okay, okay, now j root pi I'm taking as a common, so it is a j root pi into j by 2 pi, let me say like this, it becomes minus of omega square by 2 with the limit minus 1 to 0 plus of omega square by 2 with the limit 0 to 1. Now if you want to remove this minus sign, let us substitute the lower limit first and then upper limit. So it is, I am taking this minus as outside, okay, j square is minus 1, so 1 minus 1 by 2 root pi. It is, let's substitute this one, let's take 1 by 2 as a common. So what it is, 1 minus 0 plus 1 minus 0, is it clear? Because 1 by 2 I have taken as a common outside. So the final answer would be, is what this is coming as? D by dt of x of t at t is equal to 0. This is d by dt of x of t
एट टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वॉट डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, एंड हेंस टू टू कैंसल आउट, सो डी बाई डी टी ऑफ x of t at t is equal to 0 is what? Is 1 by 2 root pi with minus. You will see this because maybe my head is coming in the left of this section. So let's look at that, and simple, it's very simply I am integrating omega d omega over minus 1 to 0 and omega d omega over 0 to 1 and taking minus j root pi as a outside. Is it clear? Okay, I have to shift I think so, right? So let's shift it for the couple of seconds so that you can see this. Yeah. You will see this. Sorry, I will take a left section of that mine. Okay, fine. You can do it by your own, okay? Let's see. Now, another question. Problem number 10. Problem number, that was a problem number 9, problem number 10. Problem number 10 is this. Suppose we have x of t which is e to the power minus of 2 mod t. Okay. Let's having a Fourier transform of x omega. Suppose y1t is x of 2 minus t plus x minus t minus 2. y2t is x of 3 t minus 6, and y3t is d2 over dt2 x of t minus of 3. Value of mod y3 of omega upon mod y1 of omega into mod y2 of omega at omega is equal to 2 radian per second is what? Solved.
मेक इट फास्ट। देखो यार आंसर चले करते हैं। मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t जो कि है e टू द पावर माइनस ऑफ 2 मॉड t। तो इसका मतलब इसका x ओमेगा कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा टू इंटू टू बाय टू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी फोर अपॉन फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। चल अब हम वाई वन टी डिफाइन करते हैं। वाई वन टी इज इक्वल टू कितना था देखो, एक्स टू माइनस टी प्लस x ऑफ माइनस टी प्लस टू प्लस x ऑफ माइनस टी माइनस टू, मेरे ख्याल से यस। दैट मींस कि y1 t को हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, x ऑफ माइनस ऑफ t माइनस टू और प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t प्लस टू, ऐसा भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज वाई वन ऑफ ओमेगा, वाई वन ऑफ ओमेगा बिकम्स एक्स ऑफ माइनस ओमेगा ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टू ओमेगा प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा इंटू ई टू पावर जे टू ओमेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई वन ऑफ ओमेगा इज एक्स ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा e to the power minus of j2 of omega plus e to the power j2 of omega or divide by 2 or multiplied by 2 multiplied by 2। तो मेरा जो y1 of omega होगा वो क्या हो जाएगा, 2x of minus omega और यहां पे बन जाएगा cos 2 of omega, 2x of minus omega cos 2 of omega। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, x माइनस ओमेगा अगर आप करोगे तो ये सेम ही होगा, ऐसे क्लियर, क्योंकि माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाएगा 2 इंटू फोर बाय 4 प्लस माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर और कॉस ऑफ 2 ऑफ ओमेगा, ये बनेगा y1 ऑफ ओमेगा। तो y1 ऑफ ओमेगा क्या बनेगा देखो, 8 बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा, ठीक है। कहां पे आपसे पूछा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये वैल्यू हो जाएगी 8 बाय 8 cos ऑफ 4 ओमेगा के, यानी कि cos 4 ओमेगा अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे cos 4 के, cos 4 ओमेगा की वैल्यू 2 है ना, cos 4 के, तो बताओ cos 4 कितना होगा,
-0.653। अब मॉड यहां पे नहीं, मॉड वाई वन ओमेगा यही था, कैसे बोला मॉड वाई वन ओमेगा यही आया है। अब आप यहां पे मॉड नहीं लगाना है, यहां पे मॉड वाई वन ओमेगा तो ये है ना, ओमेगा मॉड वाई वन ओमेगा पे ओमेगा की वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट की तो माइनस आया, -0.653। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब वाई टू ऑफ टी देख लेते हैं, वाई टू टी क्या है बताओ, वाई टू टी जो है वो है एक्स ऑफ थ्री टी माइनस सिक्स। दैट मीन्स कि मैं एक्स ऑफ थ्री कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा टी माइनस टू। देखो जब स्केलिंग करोगे तो क्या हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स ऑफ ओमेगा बाई थ्री और ई टू पावर माइनस ऑफ जे टू ऑफ ओमेगा, ये आएगा मॉड ये आएगा वाई टू ऑफ ओमेगा है ना। तो मुझे बताओ जरा मॉड बाई टू ओमेगा कितना होगा, मॉड बाई टू ऑफ ओमेगा हाँ जी वो कितना होगा, मॉड ऑफ वन बाई थ्री एक्स ऑफ ओमेगा बाई थ्री, इसलिए मॉड ऑफ वन बाई थ्री एक्स ऑफ ओमेगा बाई थ्री। तो एक्स ओमेगा कितना है वो है फोर अपॉन फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए और अगर आप इस पर ओमेगा की जगह पे वन बाई थ्री पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा वन बाई थ्री इंटू फोर अपॉन फोर प्लस ओमेगा बाई थ्री का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री इंटू फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय नाइन, इज इट क्लियर। जब आप इस पर मॉड पुट करोगे ओके जब आप इस पर मॉड पुट करोगे तो देखो इट्स जस्ट टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ओमेगा इंटू मॉड ऑफ कॉस टू ओमेगा, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू प्लस प्लस आ जाएगी। यस ये इस पर मॉड इंटू इस पर मॉड है ना, इस पर मोड इंटू इस पर मोड और मोड ऑफ कॉस फोर, तो मतलब कि ये वैल्यू मोड ऑफ दिस यानी कि ये वैल्यू है 0.653। ठीक है ओके सॉरी फॉर दैट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 9 फॉर जो 36 इट इज अ 9 इंटू 4 बाय 3 इंटू 36 प्लस ओमेगा इसको, यह आ गया मॉड बाई टू ओमेगा। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 12 बाय 36 प्लस ओमेगा इसको, अब ओमेगा की वैल्यू जब आप कितनी पुट करोगे टू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 12 बाय 40 या 6 बाय 20 4 3 बाय 10.3 है ना, 4 3 40 ये आ जाएगा 0.3। यहां तक क्लियर है। अब सिमिलरली जो y3 ऑफ t होगा वो क्या है, वो है d2 बाय dt2 x ऑफ t माइनस 3।
मतलब y3 ऑफ ओमेगा क्या होगा, इट इज d 2 ओवर dt2 ऑफ x ओमेगा e टू पावर x ओमेगा. जस्ट अ मिनट गाइस, x ओमेगा e टू पावर माइनस ऑफ j 3 ओमेगा. Is it clear? J3 of omega. So this is what? J omega whole square into x omega into e to the power minus of J3 omega. That's what the y3 of omega is. So what's the mod y3 of omega? It is mod of omega square mod of x omega. So at omega is equal to 2. So x omega hai to kitni value given hai? It is how much? 4 by 4 plus omega square. So iska matlab ye ho gaya ki ye ho gaya 9. Kahan pe pucha hai aapse? Sorry, आपसे पूछा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे, तो दैट मींस कि ये हो गया आपका 4 इनटू यहां पे हो गया 4 प्लस 4 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 16 बाई 8, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2. अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मॉड y3 ऑफ ओमेगा of omega upon mod y1 of omega into mod y2 of omega. ये क्या हो जाएगा बताओ? mod y3 of omega कितना हो गया? 2 by mod y1 of omega हो गया 0.653 into y2 of omega हो गया 0.3. So what's the answer? 0.653 into 0.32 is 10.20. This is the final answer. This is your final answer. This is your final answer. Okay, so this is problem number 10. Let's check problem number 11. Find Fourier transform of xt, which is sine t into sine t by 2 upon pi t square at omega is equal to 2 radian per second. Make it fast.
मेक इट फास्ट। क्लासेस इतनी होती है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहाँ हो क्या बताएं कहाँ है, क्लास दे रहे हैं। देखो यार ध्यान से, सर सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखो जरा, एक्स ऑफ टी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन पाई टी इंटू साइन टी बाय टू अपॉन टी। अगर हम इसको x1 t कह दें और इसको x2 t कह दें, देखो ये ध्यान से, व्हाट इज xt, इट इज x1 t इंटू x2 t, सो व्हाट इज x ओमेगा, x ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई माइनस इनवर्ट इनवर्टेड what this is x1 of tau into x2 of omega minus tau d tau, basically it is a convolution hai na, so what is x omega, x omega is 1 by 2 pi x1 of omega convolution with x2 of omega, you know that. तो जरा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, साइन 80 बाय पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, ये होती है माइनस ए टू ए वन ओमेगा डोमेन में, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस, देखो ध्यान से ए की वैल्यू कितनी है वन, तो साइन टी बाय पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया माइनस वन टू वन वन ओमेगा। अच्छा लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें बहुत ध्यान से, दूसरा एग्जांपल अगर हम बहुत ध्यान से देखें, लेट्स से साइन टी बाय टू अपॉन टी, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, पाई नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे पाई का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों जगह। अब इतने का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा देखो, इतने का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, ए की वैल्यू है माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू और यहाँ पे है वन, लेकिन ये पाई से मल्टीप्लाइड है इसलिए ये हो गया पाई। अब बेसिकली हमें करना क्या है देखो, एक्स ओमेगा क्या होगा, यह है वन ओवर टू पाई क्या एक्स वन ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ एक्स टू ऑफ ओमेगा, यही हो एक्स वन ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ एक्स टू ऑफ ओमेगा, इज इट क्लियर, एक्स वन ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स वन ओवर टू पाई, आपको इसको माइनस वन टू वन वन को कन्वर्ट करना है माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू और यहां पे वो पाए,
तो पाई हम बाहर ले सकते हैं, ये वैल्यू आएगी कि 1 बाय 2 और ये आ जाएगा माइनस 1 1 1 और यहां पे आ जाएगा कन्वोल्यूशन विथ माइनस हाफ हाफ ए वन। तो अब देखो ध्यान से, दो अनइक्वल विथ रेक्टेंगल का कन्वोल्यूशन हमेशा कैसा होता है, ट्रेपेजॉइड, है ना। तो आप इसको इसके साथ कन्वोल्यूशन कर सकते हो, इसको इसके साथ कन्वोल्यूशन कर सकते हो, इसको इसके साथ कन्वोल्यूशन कर सकते हो, इसको इसके साथ कन्वोल्यूशन ऐड कर सकते हो, सॉरी कन्वोल्यूशन मतलब ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा बताओ, देखो माइनस वन माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू तो यहां पे है माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू 1 बाय टू और 3 बाय टू ऐड कर दो, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो इसका स्लोप होता है। तो प्रोडक्ट कितना 1, तो ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो नेट रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन 1 बाय टू से मल्टीप्लाइड है तो ये 0.5। तो मतलब फाइनल रिजल्ट जो एक्स ओमेगा आएगा क्या होगा, देखो एक्स ओमेगा जो होगा वो होगा माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू वन बाय टू और थ्री बाय टू और यहां पे वैल्यू होगी 0.5। अब मैंने क्या करना है, ओमेगा इज़ इक्वल टू पे, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू तो ये है, तो यहां पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी है, जीरो। सो व्हाट्स द आंसर, आंसर इज जीरो, करेक्ट आंसर इज जीरो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पे, अभी थोड़ा सा टाइम है। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो प्रॉब्लम हम ये करते हैं, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, 12। Evaluate this integral. Which is d omega and its options are a pi, b pi by 3, c pi by 2 and d pi by 4. Make it fast.
करें जो जल्दी से, लास्ट प्रॉब्लम है आज का। और भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स के सेशंस मैं लगवाऊंगा आपको, जिससे कि अगर आप सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को ही करके जाओगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ताकि मैं जो है वो और इस तरह के सेशंस करिए। और प्लीज़ गाइस इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, इज क्लियर, और बिल्कुल आग की तरह इसे फैलाइएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे जो है बेनिफिटेड हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सर हमें करना क्या है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एट बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक तरीका तो होता है कि आप सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड को अप्लाई कर दो, ओमेगा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, टैन वर्स ओमेगा इज द बेस्ट सब्सटीट्यूशन हियर, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो और इजिली इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। पर सिग्नल सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्स मास के प्रॉब्लम्स को भी इजी तरीके सॉल्व कर सकते हैं, तो आप पार्सेवल थ्योरम का यूज करना जरा। देखो पार्सेवल थ्योरम क्या कहती है, देखो बहुत ध्यान से, इट इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी डी टी इज वन ओवर टू पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए केवल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं उसको, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा डी ओमेगा विच इज इक्वल टू टू पाई माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एफ एक्स टी इंटू एक्स टी इंटू डी डी। देखो यार ध्यान से इसको हम लिखते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इट्स टू बाय टू इंटू टू बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, चेक करना, देखो ये टू स्क्वायर है इंटू टू इंटू इट इज नॉट देयर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डी ओमेगा। देखो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या है, 2 पाई माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एफ ई टू पावर माइनस ऑफ 2 मॉड टी, पर इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल नहीं सकते, रीजन बीइंग कि यहां पर ये डैश है, ये है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन और 1 बाय 2 का डिवीजन कर देता हूं। अब तो मैं इसको कर सकता हूं, तो ये हो गया ई टू पावर माइनस ऑफ 2 मॉड टी और यहां पे आ जाएगा डी टी इसकी जगह, तो देखो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन बैलेंस हो गया और इससे ये बैलेंस हो गया, इससे ये बैलेंस हो गया, इससे ये बैलेंस हो गया, स्टिल एक्स्ट्रा अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो 1 बाई टू अभी भी बचा है, तो यहां पे भी आपको 1 बाई टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी बताओ, ये वैल्यू हो गई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ फोर मॉड टी डी टी के, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, माइनस इनफिनिटी टू जीरो e टू पावर फोर टी डी टी प्लस जीरो टू इनफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ फोर टी डी टी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट्स अ पाई बाई फोर ओके डोंट फॉरगेट दिस 1 बाय 2 पाई दिस इज 2 पाई बाय 2 सो इट इज 1 बाय 4 इट इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 सो व्हाट इट इज पाई बाय 2 इज द राइट आंसर, C is right option. So, with this, हम लोगों ने इतने सारी चीजें जो है वो कवर की गाइस, और होप कि मैंने प्रॉब्लम्स पे जस्टिफिकेशन आपको दिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने जो है
वो करवाएं। हालांकि फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, रीजन बीइंग कि अगर आप अच्छे प्रॉब्लम्स करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव अ सम बैकग्राउंड ऑन दैट। इज इट क्लियर? और भी प्रॉब्लम्स के सेशंस हम लोग करेंगे, इज इट क्लियर? मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है पूरा ओवरऑल कवर कर लिया है, और मतलब प्रॉब्लम्स कवर कर लिए। अब इस तरीके से अगला जो सेशन होगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम आएंगे, और अगला जो उसके बाद जो आएगा वो फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम आएगा सेशन, है ना। तो वो भी दो ढाई ढाई घंटे के कम से कम मिनिमम मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकूं। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने प्लस अभी ज्वाइन नहीं किया तो प्लस अभी ज्वाइन कर लो गाइस, कल तक इसकी लास्ट डेट है, आप चाहो तो आप कर सकते हो अभी। इज इट क्लियर? पंकज धवन कोड का यूज़ करो और आप बिल्कुल प्लस पे आ जाओ, और इन प्राइजेस का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी इस मोमेंट पे आप इन प्राइसेस का बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो विद दिस आप जो है वो अनअकैडमी पे, अगर आपको कोई भी मुझे मैसेज करना है, अगर आपको कोई भी मैसेज मुझे करना है तो आप मुझे अनअकैडमी पे जो है वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इस जगह पे मैसेज आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कोई भी मैसेज, कोई भी मैसेज आपको करना है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कैसा भी मैसेज आपको आपको यहाँ पे करना है, ये पर्सनल चैट है, इज इट क्लियर। मैं आपको नोट्स नॉर्मली यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, इज इट क्लियर। और विद दिस गाइस थैंक यू वेरी मच, लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गॉट इट? प्लीज दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो आए। और कुछ दिनों के बाद से हम 1 तारीख से जो है वो वापस से अपने डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बैक इंजरी है, तो वो 1 तारीख तक मैं रिकवर हो जाऊँगा और फिर मैं परसों से आपको फुल फ्लेज्ड मैनर में क्लास करवाएंगे।